तो एक और ब्लॉक की शुरुआत करते हैं। आज 30 नवंबर है, सालाना उत्सव मेला लगता है माहुल गांव में, जो कि चेंबूर में है। और मुंबई आप लोगों को तो पता है कि कोली आगरी लोगों का एरिया हुआ करता था, यहाँ पर विलेजेस हुआ करते थे। इकलौते चेंबूर इलाके में 6 विलेजेस हैं, तो उनमें से एक मेन विलेज है माहुल गांव, जिसका सालाना जतरा लगता है, कोई स्वामी जी का आश्रम है उनका नाम पर। तो ये मेले में मैं पहुंच गया हूँ ट्रैवल करके, और दोपहर के 2 बज रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे सामान्य चीजें मिल रही है। ये 114 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है, जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी, और ये चीजें मेले में बिकते हुए। और यही मजा होता है मेले को अटेंड करने का, देखने का जाकर कि वहां पर क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल होती है विभिन्न विभिन्न प्रकार की एक ही गली में। ये 500 मीटर के दायरे में लगा हुआ है सारा बाजार, रास्ते के दोनों तरफ सजा हुआ है, खिलौनों से लेके मिठाइयों से लेके चीजों तक आपको सस्ते दामों पर मिल जाएंगी। मास्क है ये, और बस देखते ही बनता है बाजार। मेले में घूमने का एक अलग ही मजा होता है, गांव देहात की फीलिंग आती है। और ये परंपरा 2 साल के बाद फिर से कंटिन्यू की जा रही है, लॉकडाउन की वजह से 2 साल तक ये जतरा नहीं निकल पाई थी, तो अब ये जतरा निकलते हुए, और देखो कितने बढ़िया तरीके से बाजार हाट सजा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत प्यारा लग रहा है। और बार्गेनिंग करने का तो अपना ही एक अलग मजा होता है ऐसे शॉप्स पर। और ये देखो सारी चीजें विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, बस देखते ही बनता है। फूल है आर्टिफिशियल प्लास्टिक के बने, कितने प्यारे लग रहे, रियल लग रहे। ये कड़े हैं, बैंगल्स हैं, जो कि एक्सेसरीज में आते हैं। ये बच्चों के सामान, लेडीज के सामान, श्रृंगार के सारे बिक रहे हैं यहाँ पर। खिलौने, ये खिलौने तो आजकल कोई लेता नहीं, फिर भी कितने प्यारे लगते देखने में, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, और ये खास करके बड़ों को पसंद आते है। और ये देखो एक्सेसरीज लड़कों की, और लड़के लोग पहनते कड़ा, अंगूठी या जो भी चैन वैन होता है पीतल तांबे के। ये खिलौने बच्चे लोगों के, दोनों तरफ रास्ते के बाजारी दरवाजे पे आप टांगते हो जो, वो है हाथ से बना हुआ। और ये बच्चों के जीन्स कपड़े बाजार में, और ये बैंगल्स लेडीज की। और देखते ही बनता है, ऐसे मेलों को अटेंड करने का एक अपना ही मजा होता है, खास करके आप कॉस्मोपोलिटन सिटी मुंबई में रहते हो, तो मुंबई में आपको ये सब चीजों की उम्मीद तो नहीं होगी, बट फिर भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुंबई में ये सब चीजें होती है और लोग अपनी परंपरा को निभाते हैं सालों से, साल दर साल। और ये कैंडी फ्लॉस ये बहुत कम देखने को मिलता है, हम जब छोटे थे तो इसको 1-2 रुपए में लेते थे, अब इसका प्राइस 20 रुपया हो गया है। और ये डोरमैट से लेके पर्सेस से लेके सारी चीजें लगी हुई है यहाँ पर। और एक टाइप की तो वैरायटी की मिठाइयां है, देसी पारंपरिक मिठाइयां, जो कि देखते और खाते ही बहुत लज्जतदार लगती है, बनता है। और ये देखो ये प्लास्टिक का डेकोरेशन किया हुआ है मस्त ग्रीनरी के साथ। ये स्वामी जी का मेन मठ है, जिनके पालकी निकलती है और जिनकी यात्रा होती है, शोभा शाम को निकलेगी, अभी दोपहर का वक्त है। और ये हम प्रसाद के लिए, लंगर के लिए लाइन में खड़े हैं, और स्वामी जी का यहाँ सालाना उर्स में यहाँ दोपहर का लंगर भोजन भी दिया जाता है, तो हम भोजन की पंगत में बैठ चुके हैं। और बहुत ही सादा सिंपल सांभर राइस, और इस बार तो छोले भी दिया हुआ है, और आखिर में साउथ इंडियन की स्पेशलिटी होती है जो पायसम साबूदाने की खीर, वो भी देते हैं। तो हम अब भोजन ग्रहण करते, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और मस्त लगता है खाने को। ऐसा टेस्ट आप घर में नहीं बना पाओगे, जो कि ये लंगर या प्रसाद में जो भी खाना मिलता है ना, वैसा टेस्ट आप घर पर कभी नहीं मिलेगा आपको, तो बहुत ही अच्छी चीज है। हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए हमारे साथ, खाने का आनंद उठाइए, फिर हम शाम को मेले में आप लोगों से मिलेंगे। तो शाम के 7 बजे जैसे ही मैं पहुंचा, और मेरा नसीब अच्छा है कि मुझे सामने से पालकी निकलते हुए मिली, और ये स्वामी जी का मठ आश्रम, जिनके नाम पर यहाँ पर ये सालाना मेला उर्स लगता है और उनकी पालकी निकलती है। तो ये डीजे सजा हुआ है, बहुत जोरों से गाना बज रहा है, और ये मेरा दोस्त नाचते हुए। और वैसे तो मेरा कम निकलना होता है बाहर घर के, पर ऐसा कुछ ओकेशन हो
और मैं अकेले ना जाऊँ, इसलिए मेरे दोस्तों ने, एक ने तो स्पेशली पूरे दिन की छुट्टी ली और एक हाफ डे से मेरे लिए मेला अटेंड करने को आया। तो हम तीनों लोग अब मेले में अंदर एंटर करते हुए, चीज़ों को देखते हुए, सामानों को भाव करते हुए, खाने पीने की चीज़ें, और सबसे पहले मेरे दोस्त ने जाकर खट्टी कैरी और बेर और इमली पर धाड़ मारी और वो खरीद कर खाया। और ये मेवाड़ वाले जो साहब को हर कोने में मिलेंगे, ये पानीपुरी वाले, और वैसे तो आपको 20 रुपये में पानीपुरी मिल जाएगी, पर मेलों में 30 रुपये 40 रुपये रेट हाई होता है। बट पैसों की चिंता मत करो, आप मेले घूमने आए तो मेले को एंजॉय करो, खाने पीने की चीज़ों को एंजॉय करो। देखो ये टैटू वाला आर्टिस्ट है, ये पानीपुरी की स्टॉल है, एक लाइन से सारे खिलौनों से लेके सब चीज़ें सजी हुई है, और ये बंदा 20-20 रुपये में बेचते हुए कुछ खिलौने बच्चों के, जिससे आवाज़ निकलती है सिटी जैसी। और ये मेले का पूरा नज़ारा देखो, एकदम भव्य नज़ारा है, एक से बढ़कर एक स्टॉल है, खाने की फूड स्टॉल्स लगी हुई है, बस देखते ही बनता है। ये जो नया ट्रेंड चल रहा है आलू चिप्स का, ये अचार है विभिन्न प्रकार के, और ये पानी पूरी, रगड़ा पूरी, सब आपको मिलते हुए, पिज़्ज़ा बर्गर से लेकर आपको सब इंडियन चाइनीज आइटम्स सब है। ये नाइट्रोजन आइसक्रीम मिल रहा है, नाइट्रोजन बिस्किट, या कुछ देसी गावटी कुल्फी है बाजार में, ये पिज़्ज़ा है, ये कीचा पापड़ भी लगा हुआ है यहाँ पर, चाइनीज के बहुत सारे प्रकार लगे हुए खाने के, और आप एंजॉय कर सकते हो। ढाबे लिए जो कि स्पेशलिटी है गुजरातियों की, ये वेज फ्राइड राइस है, ये जाइंट व्हील, बहुत ही भव्य जाइंट व्हील है, कुछ ही देर में मैं अभी उसमें विजिट करूँगा। और ये खाने के स्टॉल पर अब हम लोग खाते हुए एंजॉय करते हुए, वेज फूड है सारा, और ये हमने ऑर्डर किया है मेरे दोस्त ने और मैंने, दही रगड़ा शेवपूरी जो कि हमारा फेवरेट है, और ये भैया जी बना के सर्व करते हुए, और फुल मेरे दोस्त लोग फुल मस्ती में है, झूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं, और ऐसी चीज़ें कहाँ मुंबई में आपको देखने को मिलती है, मुंबई में खास करके। ये मेरा दोस्त खाते हुए दही रगड़ा शेवपूरी, और ये मेरी प्लेट भी है, बस एंजॉय कीजिए हमारे साथ। वो भी क्या मासूमियत वाले दिन थे जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, अब तो बड़े हो चुके हैं, भागदौड़ की जिंदगी में, रेस में शामिल हो चुके हैं, पर आओ मेरे साथ इस मेले में हम फिर से बच्चा बनते हैं और बच्चे की तरह ही हम एंजॉय करते हैं। और हमने नाश्ता वास्ता जो भी स्टॉल वॉल था सब देख लिया, अब हम अंदर आके मेन अरीना में जहाँ पे राइड्स वगैरह सारी लगी हुई है, ये जाइंट व्हील घूमते हुए, और बच्चों के लिए काफ़ी यहाँ पर राइड्स रखी गई हैं छोटे बड़े सारे, और इसमें हर एज के लोग एंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ों में। वैसे तो मेले में 50 रुपये टिकट होती है राइड्स की, बट ये एक दिन का मेला है तो यहाँ पे 70 रुपये टिकट है, 20 रुपये ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, पैसे की वैल्यू नहीं है, वैल्यू एंजॉयमेंट की है, बचपन में जाने की वैल्यू है, लौटने की। और ये मेरे दोस्त का सिकुड़ा हुआ मुंह जो बना रहा है पैसे खर्चे करने में, और हम एंजॉय करते हैं। ये बबल्स जो बचपन में हम साबुन के पानी से बनाते थे, 20-20 रुपये में बिक रहे हैं मेले में, और ये पूरा 360 डिग्री एंगल में हम मेले को देखते हुए खड़े रहकर सेंटर पे, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, एंजॉय करने का मन कर रहा है। और ये देखो मेरे वीडियो के लिए स्पेशल परफॉर्मेंस देते हुए भाई साहब, और ये ड्रैगन राइड, बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, सब एंजॉय करते हुए, और बच्चों की आवाज़ें चीखे सुनकर तो और अच्छा लग रहा है कि कितना मज़ा आता था हमें भी जब हम छोटे हुआ करते थे। और राइड्स पर राइड्स लगी हुए हैं, वेरियस राइड्स वराइटीज, पानी के बोट भी है, बच्चे वहाँ बोट में भी एंजॉय कर रहे हैं, और ये जो हम नेम लगाते हैं, निशाना लगाते हैं, और बस देखते ही बनता है, बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं, एंजॉय करो, बच्चे बन जाओ, खेलो कूदो मस्ती करो। और आपके नियर बाय देहात में, गांव में, कस्बे में, शहर में कहीं भी ऐसा मेला लगे तो अपने फैमिली के साथ ज़रूर विजिट करो और एंजॉय करो, एक दिन की सही छुट्टी लो पर एंजॉय करो, ऐसे जगहों पर जाओ, अपनी परंपरा अपने कल्चर को जारी रखो, जो भी आप धर्म के मानने वाले हो। और ये माहुल का जतरा, इसके बाद शायद अगला जतरा माहिम का लगेगा, दरगाह का उर्स, तो वहाँ पे भी जाएंगे। और एक और मेला चल रहा है हमारे एरिए में ही, गोवंडी में, तो वहाँ भी जाएंगे सैटरडे को। और ये देखो राइड्स, इस पर तो मैं बैठ चुका हूँ, इसमें उतना मज़ा नहीं आता, फिर भी अच्छा लगता है एकदम जब स्पीड में ये चक्करें काटना शुरू कर देती है। और ये जाइंट व्हील, और अब मैं लाइन में खड़ा हूँ, इसकी टिकट लूँगा, और फिर मैं, आप लोग आइए मेरे साथ, एंजॉय कीजिए जाइंट व्हील की भी राइड। ये बच्चे छोटे छोटे कार्स में खेलते कूदते, ये टोरा टोरा राइड है, इसको टोरा टोरा बोलते हैं, जो कि झिकझक घूमती है 180 डिग्री एंगल में, बहुत ही मज़ा आता है, इस पर भी मैं बैठ गया हूँ। और ये जाइंट व्हील जो मुझे हर मेले में, कहीं भी मेला लगे, कौन से भी कोने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने टिकट ले लिया है, अब मैं अंदर लाइन में खड़े होऊंगा, बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ है,
रश है तो जाते हैं, अब लाइन में खड़े रहते हैं, बाकी के पैसे मैंने ले लिए, यहाँ से एंट्री होती है, ये मनोरंजन गेट पास लिखा हुआ है टिकट पर, और देखो कितनी भीड़ है जॉइंट व्हील की राइड के लिए। तो मुझे बैठने को सीट मिल चुकी है, मैंने टिकट दे दिया है और अब शुरुआत हो चुकी है राइड की। और जॉइंट व्हील में खास करके मैं इसलिए बैठता हूँ क्योंकि जब जॉइंट व्हील तेजी से नीचे की तरफ आती है तो आपको भारहीनता वेटलेसनेस का एहसास होता है, जो कि अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस में रहते हैं, स्पेस स्टेशन के अंदर रहते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, वो वाली फीलिंग यहाँ पर आती है जब जॉइंट व्हील एकदम तेजी से नीचे आती है। तो आप लोग भी जरूर बैठिए और एंजॉय कीजिए और अपने डर पर काबू कीजिए और देखिए कितना मजा आता है। पूरे 10 चक्कर घुमाए एकदम तेजी के साथ और अब हमारी राइड खत्म होते हुए तो ऊपर से ये नजारा 360 डिग्री एंगल में कि देखो कैसे कैसे चीजें हैं, कितने लोग हैं, भीड़ है और बहुत ही मजा आ रहा है ऊपर से देखते हुए सारी चीजों को। ये मेले की शुरुआत से लेके मेले के मेन एरिया तक का व्यू आ रहा है और अब हम उतरते हुए, और काफी टाइम हो चुका है, रात के 10 बज रहे हैं, हम 7 बजे आए थे तो अब हमारा निकलने का टाइम हो चुका है। तो एक साल का फिर से इंतजार रहेगा, कोई बात नहीं, यही महीने में दिसंबर में हम फिर आएंगे माहिम के दरगाह में, आप लोगों से मिलेंगे माहिम के उर्स में। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।